أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتمة لأوصيائه والشافعة إليه والمكينة لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف لأبي القاسم محمد صلوات الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وله ما في السماوات والأرض وله الدين الواصب أفغير الله تتقون صلوات الله परवरदिगार आलम सूरह नहल की आयत नंबर 45 में इरशाद फरमाता है वलहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ आसमानों में और ज़मीन में जो कुछ है वो अल्लाह के लिए है लिहाजा जब उसकी मिल्कियत है ज़मीन और आसमानों के लिए तो फिर दीन भी उसी का होगा अकीदा भी इख्तियार भी डिपेंडेंसी भी तवक्कुल भी भरोसा भी इन्हसार भी इसीलिए फरमाता है वलहुद्दीनुल दीनु वासबा और उसके लिए एक बड़ा वसी दीन है अफ़ग़ैरल्लाह तत्तकून क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और से डर रहे हो जबकि मालिक तो अल्लाह है लिहाजा परवरदिगार आलम इताअत को अपने आप से ख़ास करने के लिए कि सिर्फ मेरी बात मानो मेरे ओबीडियंट रहो उसके लिए इंसान को क़ुरान में मुख्तलिफ निशानियाँ देता है इसीलिए अमीर कायनात से पूछा गया कि खुदा क़ुरान में जबकि खुदा की अगर ज़ात इतनी आश्कार है तो वो क्यों कहता है कि एक मज़हब इख्तियार करो तो फरमाया कि ला हयाता इल्ला बिद्दीन ज़िंदगी नहीं है दीन के सिवा इंसान कोई ना कोई मैकेनिज़म कोई ना कोई डिसिप्लिन कोई ना कोई वे अपने लिए चूज़ करता है और उसको जब वो चूज़ कर लेता है तो यकीनी सी बात है फिर वो उसकी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी कहलाती है वरना तुलानी हदीस से आप फरमाते हैं कि वो इंसान जिसके पास कोई मज़हब नहीं है कोई दीन नहीं है वो एक ऐसे रेवड़ में है जानवरों के ऐसे ग्रुप में है कि जिसको कोई चलाता चला जा रहा है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने खाना कहाँ है सोना कहाँ है रहना कहाँ है जाना कहाँ है और आखिर में उनके साथ होगा क्या तो ऐसे जो जानवर होते हैं वो सहरा में भटकते रहते हैं आखिर में क्या अंजाम होता है कहीं मरे हुए पड़े होते हैं मोमिन को गवारा नहीं है कि वो ऐसा रहे लिहाजा इसीलिए फरमाया कि जो दीन है उसको जो मज़हब है इस्लाम है हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह उसको समझो हम लोग जो नहीं समझते तो नुकसान किसका करते हैं देखिए एक छोटी सी मिसाल दूं कहते हैं कि एक शख्स था जिसने दो शादियां की हुई थी पहली बीवी बूढ़ी थी ज़रा एजड थी उसकी अपनी एज की बराबर की होगी दूसरी ज़रा यंग थी तो अब पहली बीवी चाहती है कि वो उसका हस्बैंड जो है वो उसके कंपैटिबल लगे उसके जैसा लगे अच्छा कपल उसके साथ लगे तो जब भी उसका हस्बैंड उसके पास आता तो ताकि वो बूढ़ा दिखे एजड दिखे वो उसके काले बाल उतार देती कि सफ़ेद ज़्यादा हो ना और जब वो अपनी यंग बीवी के पास जाता जो ज़रा छोटी थी वो चाहती है मेरे जैसा लगे तो वो क्या करती सफ़ेद बाल उतार देती तो अब आप मुझे बताएं इस आदमी का होगा क्या ये इसका कपल किसके साथ अच्छा लगेगा बड़ी वाली के साथ या छोटी वाली के साथ कहीं का नहीं रहेगा ना जब इंसान कोई दीन इख्तियार नहीं करता ना दीन का होता ना दुनिया का कहीं का नहीं रहता हाँ वो कहीं भी मैच नहीं करता
वो कहीं भी नहीं पहुंचता, एक लाहासिल से ज़िंदगी है। लिहाजा इसीलिए लाजमी है कि डिसाइड कर लें आप कौन से रास्ते पर हैं। जब इंसान ये डिसाइड कर लेता है तो फिर उसे जीने का मज़ा आता है। आप कहेंगे हम तो पैदा ही मुसलमान हुए, हमें तो नहीं अभी तक मज़ा आ रहा, अभी तक हम लोग बैठे हुए हैं सीख रहे हैं सीख रहे हैं सीख रहे हैं। देखिए हमने एक गलती की है, हमने दीन को अपनाया है, इख्तियार किया है, अपने बच्चों को नमाज सिखाई है, नमाज के बारे में बताया है और बाकी चीज़ें सिखाई हैं, लेकिन हमने ना समझा है ना समझाया है, है ना? ऐसा ही है ना, हम लोगों ने जो उसकी जिस थी उसको नहीं समझा। मिसाल के तौर पर वज़ू कैसे करना है ये सबने सिखाया बच्चों को, है ना, ख़ुद भी सीखा है। नमाज कैसे पढ़नी, कितनी रकात हैं, कितने सजदे हैं, क्या क्या जिक्र करना है, ये सब ने। लेकिन जो वज़ू करने के लिए खुदा ने एक रास्ता दुआ का बताया, वो ना हमने पढ़ा ना बच्चों को पढ़ाया। हम वज़ू जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना, और वज़ू को क्या समझ रहे होते, एक अमल है, जबकि वज़ू एक कनेक्शन है, एक दरवाज़ा खोलना है। नमाज जो है उसमें जितने भी अज़कार हैं, वैसे भी दुआओं में मुस्तहब है कि ज़िक्र को चेंज करते रहें, एक ही दुआ बार बार ना पढ़ें। अगर कोई दुआ ऐसी हमें नमाज में या कुनूत में याद हो गई है, या उसके अलावा भी कोई ऐसी सजदा शुक्र के लिए या शबे जुमा पढ़ने के लिए कि जिसको पढ़ते हुए आपकी ज़बान इतनी कोई फास्ट हो गई है कि आप ही समझ सकते हैं आपके अल्लाह से मांग रहे हैं, है ना, वरना किसी और को ना शायद समझ में आए। जैसे सूरह फातिहा, इसके बहुत सारे वर्जन हैं, हम यहाँ तकरीबन कितने लोग होंगे, उतने ही वर्जन होंगे, हाँ, किसी का स्लो वाला, किसी का तेज़ वाला, और किसी का अलहम्दुलिल्लाह ऐसा भी होगा, क्यों, वो उसने इतना पढ़ पढ़ के। लिहाजा समझाने की ज़रूरत है, दीन समझने वाली चीज़ है, उसको दर्क करना है। मिसाल के तौर पर अबू अली सीना, बहुत मशहूर साहिब इल्म गुज़रा है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़हीन, इंतहाई इंटेलिजेंट, और उसके पास जो मेमोरी थी वो बेहतरीन। उसका एक शागिर्द था, उसने कहा कि जो आपके पास नॉलेज है वो किसी के पास नहीं, जिस तरह से आपके सेंसेस काम करते हैं किसी के, जैसी ऑब्जर्वेशन आपकी है किसी की भी नहीं, कोई भी आके आपसे किसी भी तरीके का सवाल पूछे आपके पास जवाब होता है, आप नबूवत का दावा कर लें। अब देखें जो दीन नहीं समझा होता ना, वो समझता है नबी ऐसा होता है, हाँ, दीन समझे तो इंसान फिर उसके अंदर अपने आप को महफूज महसूस करे। लिहाजा उसने कहा कि आप नबूवत का दावा, अबू अली सीना ने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब ही नहीं दिया, खामोश रहे। कहते हैं कि उन दिनों शदीद बर्फ़ पड़ रही थी और सर्दी थी, तो सुबह के वक्त जैसे ही आज़ान की आवाज़ आई, अबू अली सीना ने देखा कि तेज़ बर्फ़ पड़ रही है। शागिर्द फजर का वक्त था, सो रहा था, तो शागिर्द को अबू अली सीना ने आवाज़ लगाई और कहा कि बाहर बर्फ़ पड़ रही है, फजर का वक्त है, उठो मेरे लिए ताज़ा बर्फ़ का पानी बर्फ़ लेकर आओ, उसमें से कुछ पानी मेरे लिए गर्म करो, मैं पीऊँगा और कुछ से मैं वज़ू करूँगा। तो शागिर्द ने कहा कि उस्ताद आप भूल गए, कुछ दिन पहले आपने बताया था कि बर्फ़ वाला पानी नहीं पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बहाने करने लगा ना, गर्म गर्म बिस्तर छोड़ना, और अगर वज़ू करना है तो फ़लाँ जगह पर इतना पानी पड़ा, वज़ू कर सकते हैं। उसने कहा मैं उस्ताद हूँ, बेशक मैंने तुम्हें सिखाया था कि बर्फ़ का पानी जो स्नोफॉल वाला है, वो जो स्नो है वो नहीं पीनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए जाओ और जो मैं कह रहा हूँ उसे अंजाम दो। तो उसके शागिर्द ने ये कहा कि आप अपने लिए नुकसान करने का सोच सकते हैं, मैं आपके लिए नुकसान नहीं सोच सकता, है ना, मैं आपसे सिंसेयर हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो ये है कि आपका भला हो जाए। अबू अली सीना ने कहा, फिर सच बोला, कहा मुझे कोई ना प्यास लगी है ना मुझे तेरे वज़ू का पानी लाने की ज़रूरत है, तुमने कुछ दिन पहले मुझसे कहा कि मैं नबी बन जाऊँ, मैं कह रहा हूँ बाहर जाके मेरे लिए बर्फ़ का पानी लेकर आओ, तो इतनी सी तुम मेरी बात नहीं मान रहे, मेरी खातिर तुम इस सर्दी में एक कदम बाहर निकलना छोड़ो, तुम गर्म बिस्तर नहीं छोड़े, और तुम कहते हो मैं नबी बन जाऊं, जबकि तुम्हारे अंदर मेरे लिए इतनी अताअत नहीं है, और खातमुन नबीन आज से हज़ारहा साल पहले
फजर की नमाज सिखा चुके और देखो मुअज्जिन ने अपना गरम बिस्तर भी छोड़ा, अपने लिए ख़ुद एहतमाम भी किया और गुलदस्ता आज़ान पर आकर दूसरों को कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। लिहाजा यहाँ से अंदाज़ा होता है ना कि जो समझता है दीन को, जो फहम रखता है, वो किस तरह से चीज़ों को लेता है और जो नहीं समझता वो कहता है अबू अली भी बन सकता है। लिहाजा हम अगर थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करें, देखिए आपने बारहा सुन रखा होगा हज़रत मूसा और खिज़र की दास्तान। अल्लाह ने हज़रत मूसा से क्या कहा था, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा ईमान हम पर ज़्यादा हो जाए, फेथ हम पर ज़्यादा हो जाए, हज़रत खिज़र की क्लास में बैठो। और जब वो बैठे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये हज़रत खिज़र क्या कर रहे हैं, कभी किसी को मार देते हैं, कभी कहीं सुराख करते हैं, कहीं दीवार उठाते हैं। तीन ही लेसन ले सके ना, और तीनों समझ में नहीं आए। हम मूसा हैं, हमें नहीं समझ आती। हम खुदा के कामों को जब देखते हैं तो हमारे अंदर वो फहम, वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती। जब तक हम करीब नहीं जाएंगे और जानने की कोशिश नहीं करेंगे, खुदावंदे करीम ऐसा माबूद है जिसने अपने आप को साहिब हिकमत बनाया है ना, कि हर चीज़ के पीछे रीज़न है। चुप हो जाओ नहीं है, हज़रत खिज़र ने बताई ना फिर रीजंस और हज़रत मूसा खामोश हो गए। इसी तरह हम रीजंस जानना ही नहीं चाहते। जैसे खुदा हदीस कुदसी में क्या कहता है, एक सिर्फ बताने के लिए कि अंदर के उमूर कैसे होते हैं, खुदा ने अपना लुत्फ़ कैसे रखा हुआ होता है, क्योंकि हम करीब जाते नहीं हैं, हम देख नहीं सकते। खुदा कहता है मैंने इंसानों के लिए चार फजीलतें रखी हैं। फजीलतें, पहली चीज़ फरमाया मैंने, अब फजीलत सुने, मैंने अनाज में कीड़े डाल दिए। हाँ, फजीलत है इंसान के लिए। फिर फरमाता है खुदा हदीस कुदसी, मैंने अनाज में कीड़े इसलिए डाले ताकि बादशाह इसे अपने लिए ज़खीरा ना कर सकें और जो ममलूक है वो बेचारी ना हो जाए। हाँ, खुदा की हिकमत है ना, खुदा की हिकमत है। वो कहता है मैंने मैयत को बदबूदार बना दिया, फजीलत है। बदबूदार बनाया, इससे ऐसा हुआ कि जो चाहने वाले थे उन्होंने अपने प्यारे को जाने के लिए इजाज़त दे दी। अगर बदबू ना होती तो जाने की इजाज़त, ताफ़ुन ना हो जाने की इजाज़त ना देते। और इस तरह से जो साहिब है, यानी जो बाकी हैं, पसमानदगान हैं, जो ज़िंदा हैं, वो मुर्दा को ये राइट देते हैं कि अब तुम्हारी दूसरी दुनिया शुरू हो गई, तुम इस दुनिया के नहीं हो, ये मैंने ऐसे समझाया है। तीसरी चीज़ फरमाया मैंने इंसान को उसकी मेमोरी में खुशी की जगह ज़्यादा रखी, गम की जगह कम रखी। गम भूल जाता है, हाँ, खुशी को फिर भी याद रखता है, गम को फरामोशी में डाल दिया। गम क्योंकि इंसान भूल जाता है, इसीलिए वो दूसरी चीज़ों को मज़ीद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है, प्रोग्रेस करता है, चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेता है, डिफरेंट सिचुएशंस में दोबारा से खड़ा होने की ताकत रखता है। अगर गम खुशी की तरह याद रहे तो इंसान कभी भी खड़ा ना हो सके। चौथी चीज़ फरमाया मैंने मौत को रखा, मैंने मौत को रखा, और मौत को रखने की वजह से इंसानों के दरमियान आपस में मोहब्बत रही। अल्लाहु अकबर। जैसे कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के, वो अल्लाह ने खूब नखरे उठाए, बनी इसराइल ने कहा हमने मरना ही नहीं है। अल्लाह ने कहा ठीक है जियो, जितना जीना है जियो। 6 से 7 नस्लें जीती थीं, आज तो मैक्सिमम 3 जनरेशन ही देखती हैं ना, बहुत रेयर है कि 4 जनरेशन्स जो है वो एक वक्त में जी रही हों ना। माँ होती है उसकी औलाद, नानियाँ देखते हैं या पर नानियाँ, इससे आगे जाते नहीं। उस वक्त 6 से 7 जनरेशन्स बहुत आम थी। और जब सोचे ना कि कितनी सारी फुप्पियाँ हो गई हैं, एक रिश्ता ऐसा है ना कि जो बहुत सारी बातों का खुलासा कर लेता है, तो इन सबको अब कैसे बर्दाश्त किया जाए। ख़ानदानों में नफ़रत बढ़ गई, सियासत बढ़ गई,
एक दूसरे के हुकूक अदा ना कर सके, यहाँ तक कि जो जायदाद के मामले थे उसमें जायदाद थोड़ी मुस्तहक ज़्यादा हकदार जो होते हैं वो ज़्यादा हो गए। और ख़ुद बनी इसराइल वाले हज़रत मूसा के पास आए और कहने लगे अपने रब से कहो हम पर मौत को डाल दे, ये हमसे अब हैंडल नहीं हो रहा क्योंकि अभी और लोग आने हैं। फरमाया कि ये चार चीज़ें मैंने दी हैं तो तुम इंसान इज़्ज़त और फजीलत के साथ जी रहे हो, लिहाजा हम सबसे पहली कौन सी चीज़ है जिसको इख्तियार करें ताकि हम खुदा के दीन के अंदर दाखिल हो जाएं। परवरदिगार आलम उसके लिए अपनी एक सिफत को सबसे पहले रखता है, सुभानअल्लाह, वो है उसकी तस्बीह करना। हाँ, खुदा की तस्बीह करना, उसकी बंदगी करना। यही वजह है कि परवरदिगार आलम अपने नबी को जो हुक्म सबसे ज़्यादा देता है, बार बार देता है, सब्बहा लिल्लाह ही कहता है रसूल खुदा को। क़ुरान में अल्लाह ने 16 मरतबा कहा कि मेरी तस्बीह करो, 6 दफ़ा कहा तवक्कुल करो, 6 दफ़ा कहा बंदगी करो, लेकिन तस्बीह करने का हुक्म सबसे ज़्यादा खुदा ने दिया है कि मेरी तस्बीह करने वाले बनो। यही वजह है कि हम देखते हैं परवरदिगार आलम अपनी महबूब हस्ती से कहता है दिन को भी तस्बीह करो, रात को भी तस्बीह करो, खड़े हो तो तस्बीह करो, बैठ रहे हो तो तस्बीह करो, सफ़र में हो तो तस्बीह करो, अगर अपने वतन में हो तो तस्बीह करो, ज़बान से भी करो और दूसरों की तस्बीहात में भी शामिल हो जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबसे बड़ी हुकूमत और सल्तनत अल्लाह ने उन्हें दी। एक शख्स उनसे मिला, कहने लगा है सुलेमान तेरे पास तो सब कुछ है ना, अल्लाह ने तुझे हर तरह की चीज़ दे दी, अब अगर अल्लाह से कुछ मांगना हो तो क्या मांगेंगे? आपने फरमाया मैं खुदा से तस्बीह का सवाब मांगूंगा कि वो मेरे नाम आमाल में डाल दे। अगर खुदा मुझे ये दे देगा तो जो कुछ अल्लाह ने मुझे और आले सुलेमान को दिया है, आले दाऊद को दिया है, वो मैं देने के लिए तैयार। एक तस्बीह का सवाब, अल्लाह अकबर। देखिए तस्बीह है क्या, हम बहुत करते हैं ना सुभानअल्लाह। तस्बीह के लिटरल मानी हैं कि खुदा हर ऐब से पाक है, उसमें कोई कमी, कोई कजी, कोई खराबी, कोई ऊंच नीच नहीं है। जब इंसान किसी चीज़ को देखकर अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है और उस चीज़ को बेहतर समझता है तो कहता है सुभान अल्लाह, है ना? किस लिए कि वो कामिल है, वो बेहतर है, वो मुकम्मल है। लिहाजा अल्लाह ने सुभान अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह से इसीलिए पहले रखा, हाँ, कि पहले सुभान अल्लाह इकरार करो कि तुझ में कोई ऐब नहीं, फिर कहो कि जिस में कोई ऐब नहीं उसकी हमदो सताइश है। और यही वजह है कि हज़रत ईसा जब नबी बने तो कहते हैं कि शैतान आया और शैतान ने आकर हज़रत ईसा से ये कहा, हज़रत ईसा पैदा हुए थे तभी से नबी थे लेकिन आपने बाकायदा इजहार 30 साल की उम्र में किया, कहा कि आपके पास इल्म है, आप साहिब मौजज़ा हैं, बग़ैर बाप के आप पैदा हुए हैं, आप लोगों को ज़िंदा भी करते हैं, मारते हैं, आप खाक उठाते हैं, हाथ में मट्टी लेते हैं, परिंदा बनाकर फेंक देते हैं, यहाँ तक कि अगर कूर और बरस को शिफा देनी हो तो आपके हाथ में, अंधा भी आपके हाथ को एक टच, आपके हाथ का एक टच मिल जाए तो अंधा भी देखना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको खुदा की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद खुदाई का दावा करें। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान को जवाब में कहा कि मैं उस खुदा की बंदगी करता हूँ जो हर ऐब से पाक है, और मैं ईसा, मेरे अंदर ऐब है, हाँ, साहिब इस्मत है, लेकिन जैसा वो है वैसी मखलूक नहीं है। वो खुदा, उसके लिए हज़रत ईसा ने शैतान से कहा, उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं इकरार करूँ सुभान अल्लाह, और जब मैं उसे कह चुका हूँ कि वो सबसे बरतर हर ऐब से पाक है तो इसके बाद मैं जो सरासर ऐब हूँ मैं कैसे कह सकता हूँ मैं खुदा हो सकता हूँ? तो इंसान जानता है कि किसके सामने, इसीलिए शैतान क्यों, किस वजह से शैतान हुआ,
जबकि बंदा खुदा था ना, बंदगी कर रहा था। कहते हैं कि ये बैतुल मामूर पर रहा करता था, चौथा आसमान, और वहाँ से जन्नत का पहला गेट शुरू होता है। और ये बैतुल मामूर पर, बैतुल मामूर जैसे हमारी ज़मीन पर खाने काबा है, इसी तरह चौथे आसमान पर बैतुल मामूर है। ऐसा ये जो खाने काबा है, बैतुल मामूर का रेप्लिका है, ऐसा ही घर, चार कोनों वाला कमरा, चौथे आसमान पर है। मैं बता ऐसे रही हूँ जैसे देख के आई हूँ, हाँ रिवायत में है। लिहाजा अल्लाह ने बैतुल मामूर पर एक मिंबर बनाया है, और उस मिंबर पर कौन खुतबा दिया करता था? शैतान। और सबको क्या सिखाता था? बंदगी। और बंदगी में ये क्या कहता था? खुदा की तस्बीह करो, खुदा की हमद व सना करो, सबको सिखाता था। यहाँ तक कि रिवायत कहती है कि एक दिन सारे फरिश्ते गए जन्नत का तवाफ़ करने, देखने, उसका गेट अंदर से दाखिल हुए, जब सब करके वापस आए तो उन्होंने शैतान से कहा आज हम डर गए। पूछा क्यों? तो फरिश्तों ने कहा आज हमने जन्नत में लिखा हुआ देखा है, अल्लाह की एक मखलूक ऐसी है जो अल्लाह की नाफरमानी करेगी, और उसके लिए इस जन्नत में दाखिले की इजाज़त नहीं है। हम सब फरिश्ते डर गए, कहीं हम ना हो, कहीं वो खल्क़े खुदा हम में से कोई एक ना हो। शैतान मुस्कुराया, कहने लगा मैं तो हो नहीं सकता। हाँ, वो मुतमईन रहा। और फिर उसके बाद उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, तूने मुझे, हमद है उस खुदा की जिसने मुझे ऐसा बंदा बनाया कि जो दूसरों को बंदगी सिखाता है। मौला फरमाते हैं ये वो वक्त था जब शैतान खुदा की तस्बीह करता और कहता मुनज़्ज़ा है वो ज़ात, हर ऐब से पाक है वो ज़ात, कि उसकी नाफरमानी की जाए। और क्योंकि नाफरमानी का उनसर फरिश्तों के अंदर क्या था, उन्हें लगता था कि हम खुदा की नाफरमानी कर सकते हैं? नहीं, उनकी वो हम्बल थे, इसीलिए उन्हें लगा कि कहीं हम ना करें, है ना। अल्लाह ने तो फरिश्तों को इजाज़त ही नहीं है कि वो नाफरमानी करें, लिहाजा वो हम्बल थे। इसके अंदर वो तवाज़ु इसलिए नहीं आया कि ये खुद को भी हर ऐब से पाक समझता था। तस्बीह सिर्फ खुदा की है, सिर्फ वो ज़ात है जो हर ऐब से पाक है। इसी वजह से शैतान नाफरमान हुआ कि जब उसे खुदा की तस्बीह करनी चाहिए थी उसने अल्लाह की तारीफ तो की, लेकिन अपने आप को भी हर ऐब से पाक समझा कि मैं तो, मुझे कौन जन्नत में जाने से रोक सकता है। और फिर उसने अल्लाह को भी अपने जैसा समझा कि उसके अंदर भी कोई ऐब नहीं होगा। देखिए खुदा की ज़ात की तस्बीह कौन कौन करता है? खुदा क़ुरान में कहता है, फ़रिश्तों ने ख़ुद इकरार किया, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, खुदाया हम तेरी तस्बीह करते हैं। आसमान से गिरती हुई बिजली ने एतराफ़ किया और कहा युसब्बिहुर्रअदु बिहम्दिही, वो गिरती हुई आसमानी बिजली अल्लाह की तस्बीह और उसकी हमद करती है। ज़मीन और आसमान और आसमान पर उड़ते हुए परिंदों ने कहा युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़, उसके लिए तस्बीह करते हैं जो जो ज़मीन और आसमानों में और परिंदों में शामिल है। खुदा ने क़ुरान में कहा कि पहाड़ों ने अपनी तस्बीह को खुदा के सामने रखा और कहा सखरना मा दाऊद अल-जिबाल युसब्बिहना, के जो पहाड़ है वो भी खुदा की तस्बीह में मशगूल है। और अल्लाह ने जितने भी अफराद मासूम साहिब इस्मत बनाकर ज़मीन पर भेजे, हर हर नबी ने कहा हम तस्बीह करते हैं। और फिर खुदा ने एक अजीब आयत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए तस्बीह की अज़मत पर भेजी और कहा कि अगर हज़रत यूसुफ़ शिकम मछली में, मछली के पेट में हमारी तस्बीह न करते तो हम क़यामत तक उन्हें उस पेट में छोड़ देते। ला इलाहा इल्ला अंत मिनल ज़ालिमीन, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عجل فرجهم شفاعة। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्बीह थी
जिसने खुदा बंदे करीम के एजाज के दरवाज़े पर दस्तक दी कि खुदाया तो बंदे के लिए मौजज़ा दिखा ना। वो खुदा तो साहिब कुदरत है, उसके लिए तो मौजज़ा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो तस्बीह करता है वो खुदा के सामने इस काबिल हो जाता है कि इंसान खुदा से कहे मेरे लिए तू अनहोनियाँ करके दिखा। जब कोई तस्बीह करने वाला होता है, देखिए अल्लाह ने दिखाया है ना, जो तस्बीह करने वाला था उसके लिए हजर असवद ने गवाही दी है, रसूल खुदा। जो तस्बीह करने वाला था उसने हाथ पर संगरेज़े उठाए तो संगरेज़ों ने भी तस्बीह की है। जो तस्बीह अल्लाह सल्लल्लाहु, जो तस्बीह करने वाला था उसको परवरदिगार आलम ने ऐसा बनाया कि दरख्त भी उसके लिए झुक गए, बादल ने भी उन पर साया डाला, यहाँ तक कि सुबहानअल्लाह कुछ रिवायात हमारे यहाँ कम नकल होती हैं, इमाम मोहम्मद जवाद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद आपके लिए अब्बासी खलीफा ने एक जाल बिछाया। तस्बीह समझाना चाह रही हूँ। आपके लिए अब्बासी खलीफा ने एक जाल बिछाया और क्या किया, आपको एक ऐसे पिंजरे में, केज में डाल दिया जहाँ पर वहशी जानवर था, जंगली शेर, इसको सेंस ही नहीं है इंसान क्या होता है क्या है क्या नहीं, नहीं जानता है इंसान को। उसको लाया, एक केज में डाला और इमाम को डाल दिया और लोगों से कहा देखो अब क्या होता है। जब इमाम उस केज या पिंजरे के अंदर तशरीफ़ लेकर आए तो वो वहशी दरिंदा शेर ऐसा फर्मा बरदार होकर बैठ गया जैसे वो सदा से इमाम की इताअत में हो। वो जो चाहता था नाउज़ बिल्ला तमाशा दिखाए, हैरान हुआ, कहने लगा कि ये कैसे किया। लिहाजा उसने इमाम से सवाल किया, ये कैसे, हम तो कुछ और सोच रहे थे। लिहाजा इमाम ने जवाब दिया कि ये भी खुदा की तस्बीह करता है और हम भी खुदा की तस्बीह करते, इसका खालिक भी अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या अली लिहाजा दूसरी जगह रिवायत मिलती है कि जब इमाम मोहम्मद जवाद अलैहिस्सलाम को बुलाया गया अब्बासी खलीफ़ा के दरबार में, दो आइम्मा के बारे में, एक जगह ये रिवायत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए मिलती है, एक जगह आपके लिए भी, आपको अब्बासी खलीफ़ा ने दरबार में बुलाया और कहा कि हम आपके लिए ख़ास एहतमाम करना चाहते हैं और आपके लिए आज दावत है, और उस दस्तरखान पर साथ ही मदऊ किया साहिरों को, जादूगरों को, और जादूगरों से कहा कोई ऐसा करतब दिखाओ कि नाउज़ बिल्लाह इमाम जवाद सबके सामने शर्मिंदा हो जाएं, हमने बस उन्हें इस दस्तरखान पर एम्बैरेसमेंट देनी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया ऐसा कि दस्तरखान ऐसा सजाया कि जब इमाम खाने के लिए किसी भी डिश की तरफ हाथ बढ़ाएंगे वो इमाम से दूर हो जाएगी, जिस चीज़ को भी हाथ लगाना चाहेंगे वो इमाम से दूर होगी, और इस तरह, और उनसे कहा जाएगा कि आप लीजिए और वो हाथ लगाएंगे वो दूर हो जाएगी, तो इस तरह से उनका सबके सामने नाउज़ बिल्ला एक बुरा लगेगा। अल्लाह अकबर, ये पूरा मंसूबा बना, इमाम को बुलाया गया बेहतरीन मेहमान खाने में। जब इमाम आकर तशरीफ़ रखते हैं, कहते हैं कि पहली डिश जिसकी तरफ इमाम ने अपना हाथ बढ़ाया वो दूर हो गई, तो इमाम ने फरमाया फिरौन ने भी अपने कसर में यही कोशिश की थी। फिरौन ने क्या किया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाने के लिए या उन्हें गलत साबित करने के लिए अपने जादूगरों को बुलाया था और उनसे कहा था तुम अपना जादू दिखाओ, ये अपना जादू दिखाएंगे। हुआ क्या था कि उन्होंने अपना जादू जब दिखा दिया, सब कुछ कर लिया, तो उसके बाद हज़रत मूसा के पास तो कुछ भी नहीं था, उनके पास एक असा थी, जो आपके हाथ में एक छड़ी थी, आपने उसी को ही फेंका तो वो सांप बन गई, और फिर आपने उसको हुक्म दिया कि इसको निगल लो, तो उन्हीं में से एक को, जादूगर को निगल लिया, और बाकी जो जादूगर थे वो ये कहने लगे ये करतब नहीं है, ये तमाशा नहीं है जो हम करते हैं, हम तो करतब करते हैं, हम ट्रिक करते हैं।
लेकिन ये जो कर रहे हैं ये जादू के सिवा है, ये ताकत किसी बशर के इख्तियार में नहीं है। लिहाजा जितने भी जादूगर थे वो सब ईमान ले आए हज़रत मूसा के रब पर। हाँ, और कहने लगे कि हम जब इस इनकी हज़रत मूसा के जादू को या उनके करने को देख रहे हैं तो हम समझ गए। जैसे रसूल खुदा के ज़माने में सबसे पहले कौन ईमान लेकर आए? जो सबसे बड़े फसीह कलाम बयान करने वाले थे। क्यों? उन्हें समझ में आई फसाहत व बलागत, जिसके पास है उसे समझ में आई ये कुरान इंसान का कलाम नहीं है, ये खालिक का है। इसलिए वो फौरन ईमान ले आए, उन्हें समझ आ गई कि ये हो नहीं सकता, वो एक्सपर्ट्स थे। इसीलिए इन्होंने कहा कि हम जब हमारे लिए ये बात वाज़े हो गई हम पीछे नहीं रह सकते, हम रब मूसा पर ईमान लेकर आते हैं। कहा कि तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, कहा जो करना है अभी करो या जो जिस अंजाम पर पहुंचाना है, हम इधर से हिलेंगे नहीं, घरों को जाएंगे नहीं, हमारी जान ले लो, लेकिन हम मूसा के रब पर ईमान लाएंगे, जादूगरों ने कहा। मौला ने वो रेफरेंस दिया उस दस्तरखान पर, फरमाया कि जो काम मूसा ने अपने कसर में किया था, ए बदबख्त तू चाहता है यहाँ पर हो? तो वो हंसा, कहने लगा कि जो मूसा ने किया था वो अल्लाह का काम था, और आप अगर चाहते हैं तो वो कर लें, अलबत्ता ये तो रिस्क खुदा है जो आपसे नाउज़ुबिल्लाह फ़रार कर रहा है, एहानत की ना, एम्बारस करने के लिए, एक डिसरिस्पेक्ट शो की। इमाम ने चार तरफ नज़र फरमाई, तस्बीह समझा रही हूँ। हाँ, इमाम ने चारों तरफ नज़र फरमाई, देखा कि एक कालीन है जो आवीज़ा है, दीवार पर हैंग हुआ हुआ है और उस पर एक शेर बना हुआ है। आपने अपनी उंगली से इशारा किया, कालीन से शेर बाहर आया। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه المشفعين। और वो शेर जब बाहर आया सब दम बखुद हैरान शॉक्ड कि ये क्या हो गया। आपने फरमाया क्या मैं इसे हुक्म दूँ कि तुम में से किसी एक को खाए? एक जादूगर जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट था उसने कहा हाँ दे सकते हैं, दिखाएं। इमाम ने हुक्म दिया इसी को खाओ, उसने निगल लिया। अल्लाह, उसने निगल लिया। और जब निगल लिया तो फिर उसके बाद इमाम ने फरमाया अब तुम में से कोई और है जो चाहता है कि मैं इस शेर को कोई और हुक्म दूं? जो अब्बासी खलीफा था उसने कहा कि ऐ फरजंदे रसूल, बस इतनी सी दरख्वास्त, यही तो हमारा सबसे अच्छा जादूगर था, इसी के पास तो सारा हुनर था। ये तो उसने कहा नहीं, मैं वैसे बात ब्रैकेट में कह रही हूँ। उसने कहा ऐ फरजंदे रसूल, इस शेर से कहिए उसको उगल दे, वापस दे दे। आपने फरमाया कि असाए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब सांप में तब्दील हुआ और जिस जादूगर को उसने खाया, क्या उस असा ने, उस सांप ने उस जादूगर को उगला था? कहा नहीं। फरमाए ये भी नहीं उगलेगा, ये भी नहीं उगलेगा। लिहाजा इमाम ने उसे हुक्म दिया कि तू कालीन में वापस चला जा। सुबहान अल्लाह, जो तस्बीह करने वाला हो, जो खुदा को बेऐब कहने वाला हो, वो अल्लाह की ज़ात को हर जगह पाता है। हाँ, वो हर जगह पाता है, वो ख़ुद को कभी तन्हा नहीं समझता। वो इस एक तस्बीह की बदौलत अपनी ज़िंदगी में हर जगह खुदा के होने का एहसास करता है। और यही वजह है कि हम करबला में ये बात बार 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 देखते हैं। देखिए, हमने करबला में जो चीज़ वैसे नकल की है वो हवादिस है ना, करबला में क्या क्या वाक़यात पेश आए, एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़या। जबकि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलाम में जो चीज़ सबसे ज़्यादा है वो खुदा की हम्दो सना है, तस्बीह है। हाँ, इमाम ने अल्लाह से सबसे ज़्यादा बातें की हैं जो हम करबला से सीखें, और इमाम की दुआएँ हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं इमाम की दुआएं याद दिलाती रहूंगी थोड़े थोड़े चंक्स, लेकिन जब हम तस्बीह की बात करते हैं ना कि उसकी ज़ात को समझते हुए उसे हर ऐब से अल्लाह को पाक समझना, ये एक सिफत अगर हमारे अंदर आ जाए तो खुदा वंदे करीम फिर उस इंसान को हुसैनी बनाता है।
क्यों? इमाम हुसैन की सबसे बड़ी सिफ़त यह है कि आपने खुदा से कलाम किया, आपने खुदा से बार बार बात की, अपनी तन्हाई को अल्लाह के लुत्फ़ से जोड़ा। रवायत कहती है जब आपने, क्योंकि करबला बे आबो गया दश था, कूफे से करबला की तरफ रुख किया, तब आपने अपनी दुआओं का आगाज़ किया और हर कदम पर जो ज़िक्र इमाम की ज़बान पर रहता वो सुभान अल्लाह। हाँ देखिए, अहले बैत जब जब खुदा की ज़ात के फ़ैसले के आगे झुकते हैं ना, सुभान अल्लाह कहते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं कि खुदाया तुझ में ऐब नहीं। और हमारे अंदर ये सुभान अल्लाह कम है, क्यों? हम जब देखते हैं कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो हमारे लिए एक्सेप्ट करनी मुश्किल हो, या खुदा का फ़ैसला, उसका कज़ा व कदर हो, तो हम कहते हैं परवरदिगार तूने हमारे ऊपर ये आजमाइश, मैं ही क्यों? अगर तूने फ़लाँ से औलाद लेनी ही थी तो उसको इतनी दी ही क्यों? इतना अच्छा शौहर था, उठा क्यों लिया? अगर उसने मर ही जाना था फ़लाँ जगह जाके तो यहीं रख लेता, है ना, मैंने इतना सदका दिया था, वो कहाँ गया? ये सारी चीज़ें। माआद बिन जबल रसूल खुदा के ख़ास यारान में से थे, सिपाह सालार बनाया आपने माआद बिन जबल को, अपने ख़ास साथियों में रखा बहुत करीब, यहाँ तक कि जब उनका इंतकाल हुआ और माआद बिन जबल की नमाज जनाजा रसूल खुदा ने पढ़ाई, आपने कब्र में उतर के उन्हें आखिरी विदा भी किया, मिट्टी भी नबी ने डाली और फिर उसके बाद कब्र पर खड़े रहे और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहते। लोग हैरान हुए कि क्यों? आपने फरमाया इन पर फिशार, माज बिन जबल पर फिशार कब्र हो रहा है। लोगों ने कहा माज पर? ओ इतना बड़ा मुजाहिद और फिशार कब्र। आपने लोगों की तरफ रुख करके फरमाया ये खुदा की अदालत है, इस वक्त ये सवाल ना करो कि इस पर क्यों अजाब हो रहा है, कहो सुभान अल्लाह। हाँ उसका जो फैसला है वो बेहतरीन है। तसव्वुर करें जनाब फ़ातिमा रसूल खुदा के पास जाकर फरमाती हैं थक जाती हूँ मुझे एक कनीस चाहिए। जवाब क्या मिलता है? तस्बीहात फ़ातिमिया कि सबसे पहले क्या कहें? सुभान अल्लाह। कि आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किल है वो खुदा की कज़ा है और वो खुदा जो अपना फ़ैसला आपकी ज़िंदगी में दे रहा है उसके जवाब में आपने क्या कहना है? आपने कहना है तू हर ऐब से पाक है, तस्लीम हो जाए उसके सामने और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह और फिर अल्लाहु अकबर। मेरे मौला फरमाते इन्नल इस्लाम बुना अला अरबा कलिमात, इस्लाम की बुनियाद चार कलिमात पर है, चार चीज़ों पर है। इस्लाम का जो एक सुतून है वो ये चार चीज़ें हैं। पहली चीज़ मौला फरमाते हैं सुभान अल्लाह, दूसरी चीज़ वल्हम्दुलिल्लाह, तीसरी चीज़ और चौथी अल्लाहु अकबर। ये चार चीज़ें इस्लाम की बुनियाद हैं, इस्लाम की बुनियाद हैं। सात बात यहाँ तक आई है तो एक बात कहती हुई इमाम की दुआओं की तरफ जाऊँ कि देखिए जब हम कहते हैं ना ये चार चीज़ें तस्बीहात अरबाअ बन जाती है ना, तो इसमें अल्लाह ने अपनी पसंद की तरतीब रखी है। जो ऑर्डर है खुदा को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है कि उसकी तस्बीह की जाए, इसीलिए सुभान अल्लाह। सबसे अजीम सिफत इंसान की क्या है कि वो अल्लाह को हर ऐब से पाक समझे, मोमिन जो उसके दीन में दाखिल है। खुदावंदे करीम इंसान के अंदर कौन सी आदत को डालना चाहता है अकायद के बाब में कि वो जब उसे माबूद समझे तो उसके अंदर ऐब व सवाल तलाश ना करें, उसके आगे बंदगी बन जाए। हाँ सुभान अल्लाह इसलिए पहले रखा, उसके बाद अल्लाह ने कहा अब मेरी हम्द करो तो तुम्हें लुत्फ़ आएगा। कि एक खुदा ऐसा जो सिर्फ साहिब कुदरत व जलालत व कहार नहीं है, रहमान व रहीम नहीं है, सत्तारुल अयूब नहीं है, बल्कि उस पर कोई ऐब नहीं और उसी के लिए वही सजावार है कि उसके लिए हम्द की जाए। और उसकी सिफत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और यही वजह है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो कौन सा जिक्र सबसे ज़्यादा है? रुकू में क्या कहते हैं? तस्बीह। सजदे में क्या कहते हैं?
तस्बीह, खुदा तस्बीह करवाता है बार बार कि जब तुम सजदे में जाओ तस्बीह करो, रुकू में जाओ तस्बीह करो, तीसरी रकअत में खड़े हो जाओ तो तस्बीह। पूरी नमाज को अल्लाह ने मुज़य्यन किया हुआ है तस्बीह से। और पूरी नमाज अगर आप थोड़ा सा गौर करें, कभी वक्त मिले या फिर आप लोग सेशन के बाद रुक जाएं और हम क्वेश्चन आंसर सेशन में देखें कि मजलिस के बाद रुक जाएं और सेशन में देखें, तो मैं आपके सामने बयान करूंगी कि नमाज में अल्लाह ने चार ही चीज़ें रखी हैं जो तस्बीहात अरबा हैं, सुबहानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, और उठते बैठते। ये खुदावंदे करीम ने, ये असास है ना, ये चार चीज़ें। इसको अल्लाह ने ऐसी बुनियाद बनाया है कि यही वजह है मैं साथ बयान करती चलूँ कि नूर जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा अर्श उला पर था। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद अजल फरजाउन अजमईन। ये तो हम सब जानते हैं ना कि अल्लाह ने पंजतन के नूर को, नूर में से चार नूर को हज़रत आदम की पुश्त में से दूसरे पुश्त में मुंतकिल किया है। अलबत्ता जनाब फ़ातिमा के नूर को किसी भी नबी की पुश्त में नहीं डाला, कहाँ रखा? अर्श पर। जनाब सलमान फ़ारसी ने ये बड़ा प्यारा सवाल किया मौला से, रसूल खुदा से, कि अगर नूर फ़ातिमा अर्श पर था तो मखलूक तो फिर भी था ना, नूर फ़ातिमा मखलूक तो फिर भी है, तो जनाब फ़ातिमा के नूर को ज़िंदगी के लिए अल्लाह ने बतौर नूर क्या ग़ज़ा दी? उसकी बका किसी खाने में है, किसी तरह से उसको अल्लाह ने बाकी रखा है। मेरे रसूल पर फरमाते हैं कि खुदा वंदे करीम ने नूर फ़ातिमा ज़हरा के लिए तस्बीह को, तहलील को, तमजीद को और अपनी किबरियाई को नूर की ग़िज़ा बनाया। बकाए नूर फ़ातिमा तो ज़हरा तस्बीहात अरबा है, सुबहान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। लिहाजा नबी खुदा फरमाते हैं, ए सलमान, अगर मेरे पास इससे बेहतर, इस जिक्र से बेहतर खुदा के ख़ज़ाने में कुछ होता तो खुदा उसे नूर फ़ातिमा का खाना बनाता, और खुदा ने इससे बेहतर कोई जिक्र मेरे सीने में उतारा होता तो वो मैं फ़ातिमा तो ज़हरा को तालीम देता। लिहाजा खुदा के असकार में सबसे बेहतरीन जिक्र तस्बीहात अरबा है। हाँ, सुबहानल्लाही, वल्हम्दुलिल्लाही, वला इलाहा इल्लल्लाही, वल्लाहु अकबर। लिहाजा ये पूरी तरतीब, आपको पूरा दीन इसके अंदर है। मुश्किल आए तस्बीहात अरबा, आसानी आए तस्बीहात अरबा, कुछ समझ में ना आए कि ये क्या हो रहा है तस्बीहात अरबा, खुदा के हुजूर कोई सवाल है तस्बीहात अरबा, इंसान हार मान जाए तो अपने आप को किसके हवाले करे? तस्बीहात अरबा, सुबहान अल्लाह, कि वो खुदा सबसे, उसकी ज़ात सबसे बेमनज़ा मुनज़ा है, उसमें कोई ऐब नहीं। लिहाजा जो कुछ है हमारे लिए एक ही तकिया गाह है, वो यह है। बस जब हमारे लिए यह है तो तसव्वुर करें ना, मेरे आका, मेरे सैयद, सैयदुल शुहदा ने क्यों बार बार खुदा से बात की है। हमने कोताही ये की कि हमने इमाम हुसैन की दुआएं और बिलखसूस वो दुआएं जो रोज़े आशूरा आपने तालीम दी हैं, सिखाई हैं कि ये पढ़ो, उनको हमने अपने दिलों की, अपने दुआओं की, अपने घरों की जीनत नहीं बनाया। और वो दुआएं हैं कितनी प्यारी, आप सब जानते हैं। इमाम हुसैन ने अपने लश्कर की तरतीब कुछ ऐसे रखी थी कि आप जानते थे कि करबला वो वाहिद जगह है जहां मरना आसान है, जीना मुश्किल है, इसीलिए पहले ग़ुलाम भेज दिए। कितने शफीक हैं, पहले ग़ुलामों को भेजा, फिर आवान को भेजा, जो आपके दूर के साथी थे उनको भेजा, फिर आपने अपने असहाब को भेजा, उसके बाद आप अपने ख़ानदान, आखिर में अपने ख़ानदान पर औलाद अकील, औलाद जाफ़र तैयार और औलाद अली इब्न अबी तालिब पर आए। तो जैसे जैसे लोग जाते रहे हैं इमाम के लिए,
ये बात वाज़े होती गई है कि अब मैं खुदा के फ़ैसले के करीब तर होता जा रहा हूँ और आपकी दुआओं में शिद्दत आती गई, आपके तवक्कुल में शिद्दत आती गई। रिवायत है, आप जब जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अजल फरजहुम अजमईन, आप जब उनके पास गए हैं ये बताने के लिए कि अब खैमों में मेरे और तुम्हारे सिवा कोई बाकी नहीं बचा, रिवायत कहती है उस वक्त इमाम के इस दुआ को नक़ल करने वाले रावी नक़ल करते हैं कि इमाम के सीने पर उस वक्त खून था। आपका बदन 72 जनाजे उठा चुका था और आपने अपने फर्जंद को सीने से लगाया और ये दुआ तालीम दी जो मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ। तर्जमे के साथ दीन समझने की चीज़ है, तस्बीह खुदा का ज़िक्र उसकी याद, मुश्किल तरीन मरहला। ख़बर क्या दे रहे हैं, अब खैमों में मेरे और आपके सिवा कोई मर्द बाकी नहीं बचा। और फिर फरमाया, ए मेरे फर्जंद, जब ख़ुद को तन्हा पाओ तो खुदा के हुजूर इस दुआ को पढ़ो, बेहक यासीन वल क़ुरान अल हकीम। ए परवरदिगार, यासीन कौन है? यासीन रसूल खुदा। हाँ, परवरदिगार बेहक यासीन, अपने महबूब का तुझे वास्ता, और क़ुरान अल हकीम, तेरी वो किताब जिसमें हिकमत भरी हुई है। बेहक ताहा वल क़ुरान अल अज़ीम, तुझे ताहा का वास्ता। ताहा कौन है? रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा। फरमाया के اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اجمعين, तुझे अपनी महबूब तरीन हस्ती का वास्ता और वल क़ुरान अल अज़ीम, और तेरी किताब जो अज़मत वाली है। या मैं यक़दरु अला हवा इजिस्साइलीन, ए सवाल करने वालों की हाजतों पर कुदरत रखने वाले। हाँ, या मैं यालमु मा फिस ज़मीर, ए वो जो दिलों की बात को जानता है। या मुनफ़िसा अनिल मखरूबीन, ए दुखी दिलों के दुख को दूर करने वाले। या मुफर्रिजा अनिल मग़मूमीन, वो जो गम हैं उनके लिए रास्ता खोलने वाले। या राहिमा शेख़िल कबीर, ए बड़ी उम्र वालों पर रहम करने वाले। या राज़िगत तिफ़्ल सगीर, ए छोटे बच्चे को रिज़्क देने वाले। या मन ला यहताजो इला तफसीर, ए वो जिसे किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। صلی علی محمد و آلہ تود اللهم صلی علی محمد و آلہ محمد عجل فرجہم اجمعین۔ دعاؤں کی زینت درود و صلوات ہے نا، خدا سے مکالمے کا حسن یہ ہے کہ اس میں ان کی محبوب خدا کی محبوب ہستیوں کو یاد کیا جائے، اور اس کے بعد فرمایا وفعل، اور اس کے بعد قضا و قضا آتا ہے، اور قضا و قضا یعنی جو تیرے जिसकी जो हाजत है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, हर कोई अपने अपनी हिसाब से पूरा करे। तो बेहतरीन दुआ क्या है? वफ़ अल बीमा अंता अहलू, ए खुदा वो कर जिसके तू अहल है। वला तफ़अल बीमा अना अहलू, वो ना कर जो मेरे लिए है, मैं किसी काबिल, मुझे ना देख, अपने हिसाब से कर। फिर उसके बाद जब आप मैदान में तशरीफ़ लेकर गए, आपने लश्कर आधा को देखा और अपनी तन्हाई को देखा, जान गए कि इस वक्त, देखिए ये वो लहजा है जहाँ मैं आपको लाना चाहती हूँ, ये बाब मुसीबत नहीं है, मैं मसाइब नहीं पढ़ी, ये बाब मारिफत है जो इमाम हुसैन ने कत्लगाह में लोगों के लिए खोला है कि तलवार ना देखो, तीर तबर नेज़ा ना देखो, ये देखो कि इस तन्हाई के आलम में हुसैन किसके ऊपर तकिया कर रहा है। पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। गंजे शहीदा में अरवाह अस्हाब को
आपने पुकारा, जब वो नहीं उठे तो आपने आसमान की जानिब रुख करके ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अंता सिकती फी कुल्ल कुर्बतिन, खुदाया हर सख्ती में तू ही मेरी पनाह गाह है। हुसैन तन्हा नहीं, अल्लाह की पनाह में है। अल्लाह अकबर। व अंता रजाई फी कुल्ल शद्दिन, और मेरी उम्मीद सिर्फ तू है जब मैं किसी क्रंच में आ जाऊँ, सख्ती में आ जाऊँ, तंगी में आ जाऊँ, जब मुझे हर तरफ से तारीकी या सख्ती मिले, मेरी उम्मीद तेरी ज़ात है। वा अंता ली फी कुल अमर नदलबी थिकतुन व उद्दतुन, हर मुश्किल घड़ी में तू ही मेरी थिका, मेरा एतबार, मेरा भरोसा है, और इद्दतुन, और तू ही मेरा वादा और सरमाया है। मैंने बुरे वक्त के लिए कोई दोस्त नहीं रखा, मैंने किसी के साथ कोई शिकायत नहीं पाली, मेरी उम्मीद तुझी से थी। कम मिन करबिन युज़अफ़ु अनिल अनहुल फुआत, कितनी ऐसी सख्तियाँ हैं जो दिलों को लर्जा देती हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन फरमा रहे हैं, आप समझ गए क़ल्बे हुसैन को किस किस चीज़ ने लर्जाया है। हाँ, खुदा से कह रहे हैं, कितनी सख्तियाँ ऐसी जिससे दिल तड़प कर रह गए। व तकिल्लु फीही हीला, और हमारी कोशिशें बेफ़ायदा थोड़ी पड़ गईं, जो हम कर रहे थे वो नामुकम्मल और बहुत हकीर सा था। यखज़लु अन्हुल करीब वल बईद, और वो मुश्किल ऐसी थी कि जो नज़दीक वाले थे और दूर वाले थे सब ने मुँह फेर लिया। हम पुकारते रहे, क़ारियान क़ुरान जवाब ना देते थे, ना कोई नज़दीक वाला आया ना कोई दूर वाला आया। और ऐसी तन्हाई में वयुष्मतु बिहिल अदू, जो दुश्मन था उसने हमारी शमातत, हमें लानतान, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मुश्किल ऐसी थी कि दोस्त भी ना आए और दुश्मन ने भी इसको मौका जाना और हमारे बारे में जो मुंह में आया कहना शुरू कर दिया। मौला क्या फरमाते हैं, याद रखो आज़ादारों, याद रखो, जब चार जानिब कोई ना हो तो हुसैन ने क्या कहा था। वतुईनी फीहिल उमूर अनजलतहु बेक, मैं ऐसे कामों को, ऐसी मुश्किलात को तेरे हुजूर पेश करता हूँ, मेरी जो मुश्किल है उसको मैं किसी के सामने नहीं बयान, तेरे सामने। व शकौतहु इलैका रागिबन फीही अम्मन सिवाक, ए परवरदिगार मैं तेरी दरगाह में ही अपना मुद्दा बयान करूँगा, क्योंकि मेरी रगबत सिर्फ तेरी जानिब है और किसी से नहीं कहूँगा, सिर्फ तुझ से ही कहूँगा। और तू क्या करेगा, व फर्रजतहु व कशफ्तहु व यज़मिनतहु, तू ही मेरे काम को अच्छे अंजाम तक पहुँचाएगा, तू ही मेरे लिए रास्ता खोलेगा, और मेरे लिए सिवाय तेरे और कोई काफ़ी नहीं है, बस तू ही मेरे लिए। एक को कह दिया उस अल्लाह को, फ़अंता वलीयु कुल नेमतिन, तू हर नेमत का वली मौला अता करने वाला है। वसाहिबु कुल हाजतिन, और हर हाजत को मुकम्मल करने वाला, उसके ऊपर इख्तियार रखने वाला है। व मुंतहा कुल रअबतिन, और हर मुश्किल की इंतहा, आखिरी उम्मीद तेरी ज़ात है। फलक अलहम्दु कसीरन कसीरा, ए परवरदिगार सारी हम्द बस तेरे लिए है। अब हुसैन ने हाथ में अपने तलवार ली है और लाखों के लश्कर के सामने अल्लाह की पुश्त पनाही के साथ उतर गए हैं। ये तस्बीह का कमाल है, ये खुदा को जब इंसान देखता है ना, वो बेऐब, मुझे जब किसी हालत में डाल देता है तो फिर वही खुदा, फ़कत व फ़कत वही खुदा निकालता है। आज़ादारों याद रखें, ये इमाम हुसैन ने मुझे और आपको तालीम दिया है। मेरी जान कुर्बान इमाम हुसैन की गुर्बत के उस आलम पर
कितना गरीब हुआ कि यतीम भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने पड़े। देखिए इमाम हुसैन के लिए बहुत सी शहादतें मुश्किल थीं, लेकिन आज जिस शहीद का जिक्र है ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो ऐसा है कि जो इमाम हुसैन के लिए सबसे ज़्यादा गिरा था, क्योंकि किसी भी शहीद को मैदान में जाने की इजाज़त देते हुए इमाम हुसैन गश नहीं खाए सिवाय जनाब कासिम के, सिवाय जनाब कासिम के, सिवाय जनाब कासिम के। जानते हैं क्यों? इमाम हुसैन ने शहादत इमाम हसन के बाद ख़ानदान इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कफालत अपने ज़िम्मे ले ली थी। देखिए थोड़ा सा हम अगर पीछे जाएं और क़ल्ब इमाम का हाल जानें, इमाम हुसैन का दिल पहले ही रंजीदा है अपने भाई से। कैसे? आप जानते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी कि मुझे मेरे नाना के पहलू में दफना दिया जाए, और इमाम हसन की वसीयत पूरी करने की ज़िम्मेदारी आपके पास थी, इमाम हुसैन के पास, आप वली हैं उनके। तारीख़ की ये तारीख हकीकत भी सबके सामने है कि जब इमाम हुसैन इमाम हसन का जनाजा कब्र रसूल की जानिब लेकर जा रहे थे तो मुसलमानों ने इमाम हसन को नाना के पहलू में सोने नहीं दिया। अल्लाहु अकबर। रंजीदा है मेरे आका का दिल अपने भाई के लिए कि मैंने इसी एक पाक बदन को दो दफ़ा गुस्ल दिया है, दो दफ़ा कफन पहनाया है, जिस पर तीर बरसाए गए, जिसको जन्नतुल बकी में दफनाया है। और फिर मौला ने कब्र इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर ये मुकालमा किया कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे आका, गरीब वो नहीं है जिससे माल छिन जाए, गरीब वो है जिससे आप जैसा भाई छिन जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरसिया है, गरीब वो है, लुटा हुआ वो है जिससे आप जैसा भाई ले लिया जाए। दिल में ये ज़ख्म है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, ये तकलीफ़ है दिल में। और फिर उसके बाद कसम खाई कि ऐ भाई, जैसे अपनी औलाद को पालूंगा वैसे ही आपके ख़ानदान की कफालत करूंगा। लिहाजा जब इमाम हसन की याद आपके सामने आई ना जनाब कासिम, और मरने की इजाज़त मांगी, तो आपने फरमाया वल्लाह वल्लाह मैं तुझे मरने की इजाज़त नहीं दे सकता, खुद तो खुशबू इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। कहते हैं कि जनाब कासिम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों के इतने बोसे लिए कि इमाम ने जनाब कासिम को अपने सीने से लगाया और फरमाया मैं तुझे मरने की इजाज़त कैसे दूँ जबकि तू मेरे लिए मेरे भाई की यादगार है। जनाब कासिम ने कहा ए चचा जान, क्या आप मुझे फजीलत से दूर रखेंगे? अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया वल्लाह शहादत हमारी मीरास है। इज़्ज़त दिया कि मैदान कारजार की जानिब जाएं। जनाब कासिम मैदान के लिए तैयार होकर आए। इमाम ने जनाब कासिम से जो आखिरी विदा किया, करबला में ये एक दफ़ा हुआ है कि इमाम ने किसी मुजाहिद को जिहाद की इजाज़त दी और जब अपने सीने से लगाया तो इतना शदीद गिरिया किया कि जहरा का लाल गश खा गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जाने, मेरी बीबी जाने, कैसे इमाम हुसैन होश में आए। जनाब कासिम को घोड़े पर सवार किया, सुए मैदान भेजा। अब आप समझ सकते हैं इमाम हुसैन के लिए कासिम क्या है। एक लहजे के लिए नज़रें नहीं हटाते, देखते रहते हैं मेरे भाई की यादगार है, मेरे भाई की यादगार है।
हमीद बिन मुस्लिम कहता है, मैंने देखा ख़याम हुसैनी की जानिब से एक 13 से 14 साल का बच्चा है जो घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। वो लिखता है वो बच्चा इतना छोटा था कि उसके तन के लिए ज़राह नहीं बनी थी, मुझे नहीं भूलता। उसने सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था। रिवायत के जुमले पढ़ रही हूँ। कहता है कि मैंने देखा उसके कुर्ते का पहला बटन खुला हुआ था, उसका चेहरा नूरानी था और चांद की सूरत दिखता था, चांद की सूरत दिखता था। उसने अपने पाँव में जूते पहने हुए थे और उसके जूते का एक तस्मा खुला हुआ था। मैं कहूँगी जो चेहरा दुश्मन को चांद लगता है वो फरवा को क्या लगता होगा, वो फरवा उम्मे फरवा को क्या लगता होगा, वो हुसैन को क्या लगता होगा। लिहाजा जनाब कासिम आगे बढ़ते रहे, इमाम एक बुलंदी पर आकर जनाब कासिम की जंग देखते रहे। किसी भी मुजाहिद की जंग को इतने गौर से इमाम ने नहीं देखा जैसे जनाब कासिम की जंग को देखते रहे। यहाँ तक कि एक मकाम ऐसा आया कि किसी ने एक वार जनाब कासिम के सरे अथहर पर किया, कासिम घोड़े से ज़मीन पर आने लगे। जैसे ही आप गिरने लगे आपने आवाज़ लगाई, अदरिकनी या अम्मा। सुनो आज़ादारों, सुनो आज़ादारों, सुनो आज़ादारों, कत्लगाह से आवाज़ आई है, ऐ चचा जान मेरी मदद को आइए, यतीम ने मुश्किल कुशा के बेटे को कत्लगाह में मदद के लिए बुलाया है। अल्लाहु अकबर। हुसैन ने जो सुना अदरिकनी मेरी मदद के लिए आइए, कहते हैं हुसैन उकाब की तरह कत्लगाह की तरफ आए। जैसे ही अश्किया ने हुसैन का जलाल देखा, इस जानिब के घोड़े उस जानिब, हाय बदने नाज़नीन जनाब कासिम, घोड़ों के सुमो के नीचे पामाल हुआ। अल्लाहु अकबर। धूल उठी। अलहजर अलमान हुसैन गैज़ो गज़ब में आए हैं, अश्किया ने फरार किया और जब धूल बैठी हुसैन ने तलाश किया, ऐना ऐना कासिमा, देखा ज़मीन पर कासिम के बदन के टुकड़े पड़े हैं। अल्लाहु अकबर। औलाद वालों सुनो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ कासिम तेरे चचा के लिए दुश्वार है, तू मदद के लिए बुलाए और तेरा चचा तेरी मदद न। तू मदद के लिए बुलाए और तेरा चचा तेरी मदद न कर सके। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जाने, मेरा मौला जाने, जनाब कासिम के बदन को हुसैन ने कैसे उठाया। ऐ हुसैन तेरे सब्र को सलाम, कासिम के तने पारा को सलाम। कहते हैं मेरे मौला ने जनाब कासिम के टुकड़े बदन को उठाया और गंजे शहीदा ले गए। सुनो औलाद वालों सुनो, मौला गंजे शहीदा जनाब कासिम को जो लेकर पहुँचे, एक जानिब अली अकबर का लाशा रखा, एक जानिब जनाब कासिम के बदन को रखा, दरमियान में हुसैन बैठ गए। अल्लाहु अकबर। या फातिमा तो ज़हरा, दरमियान में हुसैन बैठ गए। रिवायत है पढ़ रही हूँ, मौला ने अपने दोनों हाथ
एक हाथ अकबर के सीने पर, एक हाथ कासिम के सीने पर। अहलियाज़ा आप तसव्वुर कर सकते हैं, हुसैन का हाथ एक छिने हुए सीने पर है और एक टुकड़े सीने पर है। आसमान की जानिब रुख करके कहा, ऐ परवरदिगार हमारी कुर्बानी को कबूल करना, हुसैन ने सब लुटा दिया।